यहाँ पे जो बात हो रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये शीतल है, मतलब शीतल, और एक हमारे पास है बबी। बात कर रहे हैं वक्स की। शीता इज ट्वाइस एज गुड एज वक्स, मैंने बबीता। अगर बबीता कोई एक्स वर्क करती है तो शीतल उसका डबल वर्क करती है, 2x। तो वर्क का रेशियो डबल है, 1:2। तो मैंने आपसे कहा था डेज का रेशियो, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अगर शीतल को किसी काम को करने में एक दिन लगता है तो बबीता को उस काम में 2 दिन लगेंगे। तो वर्क का रेशियो, डे का रेशियो 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब इसमें दो क्या दिया हुआ है, टुगेदर दे फिनिश अ पीस वर्क। दोनों मिलके जो हैं, शीतल प्लस बबीता, वो 18 डेज में करते हैं। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि इन तीनों में क्या रिश्तेदारी होगी? एक्स 2x और 18 में क्या रिलेशन होगा भाई? बोला कीजिए ना प्लीज। तो x प्लस 2x इनटू 18 इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस एक्स x प्लस 2x इनटू 18 इज इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस वो वर्क हो गया ना 1 एटीन हमारा इज इक्वल टू 1। 1। हाँ बेटे बेटे को अच्छी चीज कर लो, ये थोड़ा ही हो गया। ये डेज हैं सारे, ठीक है। तो क्या समझाया था आपको? ये समझाया था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये समझाया नहीं समझाया? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? अगर एक एक दिन डेज एक्स डेज में कर रहा है, दूसरा वाई डेज में कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या है बताइए? फॉर्मूला क्या है जी? हाँ, अगर आप इसको ऐसे लिखते तब तो मैं मानता, 1 अपॉन x, 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। ये तो आप कर सकते थे। तो चीजों को ध्यान रखा कीजिए ना, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आया, क्या हो गया? नीचे नीचे हो गया 3x, x से x कट गया, 2 से आ गया 9, 9 3 जा कितना आ गया, 27। कितना आ गया? 27 हमारा आंसर है। x इंटू 2x अपॉन 3x इज इक्वल टू 18। तो x से x काटिए, 2 से 9 काटिए, और 9 3 जा 27 कर दीजिए। आया समझ में? तो x आ गया 27 डेज। तो चीजों को समझा कीजिए बेटे।